अग्ने नय सुपथाराय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। वैदिक मान्यता के अनुसार तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, आत्माएं और प्रकृति। ईश्वर एक है, उसके गुणक्रम स्वभाव के अनुसार नाम अनेक हैं। जीवात्माएं असंख्य हैं, हम नहीं कह सकते कितनी हैं, किंतु हैं उतनी हैं, उनमें न एक कम है न एक अधिक है। दोनों चेतन हैं, ईश्वर भी और जीवात्माएं भी। तीसरा पदार्थ है प्रकृति, ये जड़ है। दो पदार्थ निराकार हैं, प्रकृति साकार है, जिसके द्वारा संसार बनाया जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। इसके तीन गुण हैं, सत, रज, तम। परमात्मा के अनंत गुण हैं, मुख्य हैं सच्चिदानंद स्वरूप। जीवात्मा के छह गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं ज्ञान और प्रयत्न। जब शरीर धारण करता है इच्छा द्वेष सुख दुख, चार गुण उसमें आ जाते हैं। जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध है, निर्विकारी है, किंतु प्रकृति के संयोग से ये विकारी हो जाता है। स्वभाव से विकारी नहीं है जीवात्मा, आप और हम स्वभाव से विकारी नहीं है। शरीर में आने के पश्चात विकार आता है, वैसे हम निर्विकारी हैं, शुद्ध बुद्ध हैं। जीवात्मा न पशु है न पक्षी है न कीट पतंग है न मनुष्य है, न स्त्री है न पुरुष है, न काला है न गोरा है, न लंबा है न छोटा है, न बालक है न वृद्ध है। ये शरीर का है धर्म, जीवात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। हम कौन हैं? मानव तन में आगे मनुष्य कहलाते हैं, किसी और तन में होते हैं तो कोई कहेगा ये गाय जा रही है, घोड़ा जा रहा है, ऊंट जा रहा है, ये पक्षी जा रहा है। आत्मा गाय घोड़ा ऊंट पक्षी नहीं होता है, शरीर के नाम है ये। एक बात और समझ लो, याद रह जाए तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम कहने का है। जब हम आत्माएं शरीर धारण करते हैं तो जीवात्मा कहलाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा हो जाते हैं। आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जीवों को मारना नहीं चाहिए, तो जीव कभी मरा करते हैं क्या? शरीर मरता है, शरीर का नष्ट होता है, किंतु क्योंकि वो जीव शरीर के भीतर आ गया है इसलिए जीवात्मा कहलाता है, वह शुद्ध आत्मा है। उपनिषदों में आत्मा ईश्वर के लिए भी कहा जाता है और जीव के लिए भी कहा जाता है। ये गहरी बात है, हर आदमी को समझ में नहीं आती। अपने स्वरूप को हम जाने, महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में लिखा, चित्त के एकाग्रता से हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं।
सांसारिक आने वाले विचार बंद हो जाए मन में। चित्त और मन एक है पतंजलि की मान्यता के अनुसार। सांख्य दर्शन में कपिल ने अलग अलग माना है मन और चित्त को, और पतंजलि ने एक माना है, चित्त और चाहे मन दोनों एक ही हैं। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योगस्थ हो जाता है व्यक्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है तो उसे अपने स्वरूप का भान हो जाता है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्, मैं कौन हूं इस बात का पता लग जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न चेतन तत्व हूं, शरीर में रह रहा हूं, शरीर में रहने का स्थान है। जैसे हम लोग ईंट पत्थर के बने मकान में रहते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हमारा घर है, आपको पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो सत्य ये है कि हमारा घर यही है जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो हमारे घर का घर है। जिसको हम अपने बंगला बना रखा, घर बना रखा है, वो हमारा घर नहीं है, वो तो हमारे घर का घर है। ये हमारा घर रहता है उसमें, तो हम तो इस घर में रहते हैं, ये हमारा घर है। बहुत ज्यादा इसके लिए परेशानी की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से में समझा जा सकता है मैं कौन हूं, मुझे कैलाश भाई ने कहा था कि ऐसा भजन आपके पास है क्या, मैं कौन हूं। तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया था असारवा से, राजस्थान का व्यक्ति था। तो ये जो अभी चर्चा चल रही है ना, मैं कौन हूं इसके बारे में बताया जाएगा, तो उसने मुझे समय लिया और आते समय फोन नहीं किया उसने, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बन जाते हैं तो देर तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा। जब मैं आया तो उन्होंने कहा मुझे काफी समय हो गया। मैंने कहा बोलो कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। मैंने कहा बैठो बता देता हूं। उनको मैंने जो बताया तो फिर मुझे कैलाश की बात याद आई। मैंने कहा चलो इसको कविता का रूप दे देते हैं। मैंने कविता लिख दी, आपको सुनाता हूं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मेरे सुनने में एक दिन ऐसा आया, आप ध्यान देना, काव्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरे सुनने में एक दिन ऐसा आया, किसने किसको बोला पूछा ये मैं जान नहीं पाया। अच्छा मैं कौन हूं, कौन पूछ रहा है बताओ, किससे पूछ रहा है, मैं कौन हूं इस शब्द को कहां लगाओगे बोलो आप। या तो कोई पूछे कि मैं कौन हूं बताइए, या कोई कहे, ये केवल एक शब्द है, वाक्य है, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं मेरे सुनने में एक दिन ऐसा आया, किसने किसको पूछा बोला ये मैं जान नहीं पाया। लगता था ये प्रश्न किसी ने पूछा, पूछ लिया या पूछवाया, ऐसा लगता है यह प्रश्न किसी ने पूछा है या पूछवाया किसी से। इसका उत्तर ठीक ठीक देने मेरे मन को भाया। इसका क्या उत्तर हो सकता है, ठीक ठीक मेरे मन में ऐसा विचार आया। उस व्यक्ति को तो समझा करके मैंने भेज दिया था, 15-20 समझा दिया उसको, उसके प्रश्नों का उत्तर दे करके। अपना सत्य स्वरूप शाश्वत है, लो अब मैं दर्शाता हूं, सुनिए ये मैं कौन हूं अपना अस्तित्व बताता हूं। आप ध्यान से सुनो, अपना सत्य स्वरूप, जीवात्मा किसे कहते हैं, अपना सत्य स्वरूप शाश्वत, लो अब मैं दर्शाता हूं जो अनादिकाल से चला आ रहा है, सुनिए ये मैं कौन हूं अपना अस्तित्व बताता हूं। स्वभाव से मैं हूं, बिल्कुल नहीं विकारी हूं, शब्दों पर ध्यान देना, स्वभाव से मैं शुद्ध बुद्ध हूं,
बिल्कुल नहीं भिखारी हूं, सत्चित और प्रयत्न ज्ञान ये स्वाभाविक गुणधारी हूं। स्वाभाविक गुण क्या है मेरे? ज्ञान और प्रयत्न, सत और चित। परमात्मा सच्चित आनंद है, जीवात्मा सत्चित है, दो गुण इसके अंदर है। जब सच्चित ये हो गया इसकी सत्ता, और जीवात्मा का क्या है स्वाभाविक गुण क्या है? ज्ञान और प्रयत्न, ये स्वाभाविक है सदा के लिए। किंतु जब शरीर धारण करता है जीवात्मा, अजर अमर में व्याप आत्मा निराकार अवतारी, बार बार जन्म देने वाला, अभी रह रहा मानव तन में कहलाता संसारी हूं। इस समय कहां रह रहा हूं मैं? मनुष्य के शरीर में, तो संसारी हूं। त्रय पदार्थ अनादि, उनमें एक में माना जाता हूं। तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, उनमें मेरा भी एक स्थान है। त्रय पदार्थ अनादि हैं, इनमें एक में माना जाता हूं। सुनिए मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं मैं कौन हूं। ना कोई मैं पुरुष नपुंसक, ना कोई नारी हूं, ना मैं कोई पुरुष नपुंसक, ना कोई मैं नारी हूं, ना मैं जलचर, ना मैं थलचर, ना कोई नभचारी हूं। तीन स्थानों पर प्राणी रहते हैं, धरती पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। ना अमीर ना गरीब हूं, ना दानी ना भिखारी हूं। मैं अमीर गरीब नहीं हूं, मैं दानी और भिखारी नहीं हूं। ये तो शरीर का धर्म है सारा। शरीर भीख मांगता, शरीर दान देता है। आत्मा कभी भिखारी नहीं होता, आत्मा कभी दानी नहीं होता है। ना राजा और नहीं रंक हूं, ना नौकर सरकारी हूं। न तो मैं राजा हूं, न प्रजा हूं, न कहीं मेरी नौकरी है। जीवात्मा की कहीं नौकरी नहीं होती, शरीर की होती है नौकरी। ना किसान मजदूर, न कोई कारोबार चलाता हूं। सुनिए यह मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं मैं कौन हूं। आप समझ रहे मेरी भाषा को? मैं कौन हूं इसका उत्तर दे रहा हूं आपको। ना किसी की घरवाली में, ना किसी का घरवाला हूं जीवात्मा। न तो किसी की पत्नी है, न किसी का पति है, ये शरीर है। ना किसी की घरवाली, ना किसी का घरवाला हूं, नहीं किसी का जीजाजी हूं, नहीं किसी का साला हूं। मैं किसी का जीजाजी साला नहीं हूं। आत्मा के लिए कह रहा हूं, शरीर जीजाजी बनता, आत्मा थोड़ी बनता है। अच्छा, विवाह कौन करता? शरीर करता का आत्मा करता है। शरीर के बिना आत्मा विवाह कैसे करेगा? शरीरधारी होने के कारण से ये गुण, ये नाम हमारे रखे जाते हैं, ये जीजाजी है। ये आत्मा जीजाजी नहीं होता है, आत्मा साला नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा होता है, उसका नाम क्रतु है वेद के अंदर। नहीं किसी का, ना हूं वृद्ध, नहीं युवा हूं, ना बालक ना बाला हूं। मैं बूढ़ा भी नहीं हूं, जवान भी नहीं हूं, बालक भी नहीं हूं, बालिका भी नहीं हूं। ना हूं पतला, ना हूं जाड़ा, ना गोरा ना काला हूं। अच्छा बताओ, जीवात्मा काला गोरा होता है क्या? शरीर होता है ना काला गोरा। बूढ़ा कौन होता है? शरीर होता है। जीवात्मा बूढ़ा होता है कभी? जीवात्मा बालक होता है, न बूढ़ा होता। जीवात्मा तो जीवात्मा है। मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं, ये बार बार समझाता हूं। मेरा शुद्ध स्वरूप समझने की बात है, मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं, ये बार बार समझाता हूं। सुनिए ये मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं। कोई मुझे कहे ब्राह्मण, कोई क्षय बताता है, कोई कहते ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण जीवात्मा नहीं होता भाई, शरीर होता है, सरयुक्त जीवात्मा। क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शरीर के वर्ण जो बनता शरीर के साथ होता है। जीवात्मा ब्राह्मण होता है क्या? इसका मतलब फिर कोई ब्राह्मण होता है, कोई जीवात्मा क्षत्रिय होता है। जीवात्मा तो जीवात्मा थोड़ी होते हैं सब। शरीर में आने के बाद कौन से शरीर में आया है वो तो उसका नाम बन जाता है। कोई मुझे कहे ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय बताता है, कोई जोड़े वैश्य शूद्र से मेरा अपना नाता है। कोई मुझे ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थी बनाता है, कोई वानप्रस्थी सन्यासी समझ शीश झुकाता है। जीवात्मा सन्यासी वानप्रस्थी नहीं होता, जीवात्मा ब्रह्मचारी नहीं होता, जीवात्मा गृहस्थी नहीं होता है, शरीर होता है। जीवात्मा युक्त शरीर होता है। जीवात्मा शरीर में आता तब ये संबंध बनते हैं हमारे। अगर शरीर हमारा नहीं होगा तो कैसे बन जाएंगे संबंध? ये मैं इनमें से एक भी नहीं हूं, पर इनमें से कोई ना मैं, ये विश्वास दिलाता हूं। ये जितने भी नाम बताए इनमें से कोई नहीं हूं मैं, ये विश्वास दिलाता हूं। सुनिए मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं।
प्रभु की न्याय व्यवस्था में जब कोई तन पाता हूं, भगवान की न्याय व्यवस्था से जब मैं कोई तन में आता हूं, प्रभु की न्याय व्यवस्था से मैं जब कोई तन पाता हूं, तब इन कामों और नामों से संबंधित हो जाता हूं। तब ये काम होते हैं, नाम होते हैं, संबंधित हो जाता हूं। ये कौन है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। जीवात्मा होता है क्या स्त्री पुरुष? शरीर में आता तो मेरे नाम बन जाते हैं सारे के सारे। ये गाय, ये भैंस, ये घोड़ा, जीवात्मा गाय, भैंस, घोड़ा होता है क्या? जीव तो जीव होता है। समझो इस बात को थोड़ा। तब इन कामों और नामों से संबंधित हो जाता हूं, विषयों में आकर्षित हो मैं भोगों को अपनाता हूं। जब संसार के विषय होते हैं इनको मैं अपनाने लगता हूं, भोग भोगने लगता हूं, जन्म मरण के बंधन में आकर के पछताता हूं। फिर जन्म मरण का बंधन शुरू हो जाता है मेरे लिए। आकर्षण होता भोगों के अंदर, सामान्य बात नहीं है। इसलिए परमात्मा सहायता करता है, उसकी सहायता लेनी चाहिए। आपने अनूप जलोटा का नाम सुना है, जो गायक एक अच्छा है। तीन पत्नियां तो उनकी, चाहे वो मर गई या तलाक हो गया, मरने 65 वर्ष की उसकी उम्र है। और उसकी शिष्या जो संगीत सीखने के लिए आती थी, उसे उसका संबंध हो गया। कब व्यक्ति फिसल जाएगा कोई नहीं कह सकता, कब ठोकर लग जाएगी। मैं जब कहता हूं तो लोग बुरा मानते, बुरा मत मानो भाई। जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर स्थान मन मानव तन के अंदर हम आए हैं। पता नहीं कौन सा संस्कार कब उदित हो जाए, कौन सा स्विच ऑन हो जाए, कोई नहीं कह सकता। इसलिए बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता। ठोकर कभी भी लग सकती है व्यक्ति को, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब जो ब्रह्मचारी बन करके लड़कियों को पढ़ावे, पास बिठा करके आग के सामने घी रखे, पिघलिया नहीं? किंतु ये मूर्ख लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी काय के हम जानते हैं कौन से ब्रह्मचारी है, हमको पता है। इसीलिए कहते हैं युवावस्था में किसी घर में नहीं रहना चाहिए, अकेले में किसी स्त्री के सामने बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। व्रत के लिए मना किया है, किंतु युवकों के लिए तो बहुत सावधानी की बात है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी माँ को जाकर के एक महिला ने कहा कि मुझे ज्ञान दो। उन्होंने कहा तेरे पति को भेज दे, उसको मैं ज्ञान दूंगा, वो तुझे ज्ञान दे देगा। मैं स्त्रियों को ज्ञान कभी नहीं देता। हमारी समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है संभालना व्यक्ति को। ये भोगों में इतना आकर्षण होता, बड़े बड़े फिसल जाते हैं, सामान्य बात नहीं है। बातें बनाना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है। मैं अपने आप को ब्रह्मचारी कहने लग जाऊं तो बताओ क्या प्रमाण आपके पास ब्रह्मचारी नहीं हूं? मानना पड़ेगा आपको। अब मैं हूं कि नहीं हूं तो भगवान जानता है, मेरा व्यवहार जानता है, हर आदमी तो नहीं पहचान सकता। आदमी अंधश्रद्धालु ज्यादा होते हैं, किसी को ठीक मान लिया, बस ठीक मान लिया, वो कितना भी गलत हो उसको ध्यान नहीं देंगे। वो ठीक हो गया, अरे ठीक क्या हो गया, पहले पता तो लगाओ ये व्यक्ति कैसा है। कोई पकड़ा जाता, कोई नहीं पकड़ा जाता। ये जो बाबा सब लोग बैठे हैं जेलों के अंदर, इतने दिन तक गुरु बन के घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, करोड़ों शिष्य बनाए कि नहीं बनाए, अब पकड़ में आ गए। जब पकड़ में आए तभी तो पकड़ में आए नहीं ये लोग। इतने दिन कौन जानता था कि दीप दूध के धुए मानते थे, भगवान मानते थे ना इनको, ये तो भगवान है, वो भगवान जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। कब कौन सा चक्र घूम जाए कोई कह नहीं सकता है। इसलिए हम ऋषियों की बातों को ध्यान में रखें। यहां तक लिखा है कि जवान बहन अगर कमरे में सो रही है तो भाई को उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। और क्या लिखते लिखने वाले, किंतु लोग मानते नहीं, कहते ये तो सन्यासी हैं, ये तो ब्रह्मचारी हैं। अरे हम जानते हैं कौन सा सन्यासी कैसा ब्रह्मचारी है, आपको पता नहीं इस बात। हमने वो घाटी पार करी है, हमको पता नहीं कितनी फिसलन है इस घाटी के अंदर, कब कब पांव फिसल जाता है, हमको पता इस बात का। ये जीवात्मा विषयों में आकर्षित हो मैं भोगों को अपनाता हूं। विषय सामने आते मामूली बात नहीं है, भोग सामने आ जाए
और व्यक्ति मुंह फेरने मामूली बात नहीं है। कहते हैं एकांत में नव युवती कभी मिल जाए सुंदर तो बड़ों बड़ों के पांव फिसल जाते हैं। विश्वामित्र के सामने मेनका गई थी, पिकल फिसल गया कि नहीं फिसल गया, शकुंतला पैदा हुई कि नहीं हुई। विश्वामित्र जैसा अपने को नहीं संभाल सकता, ये 3 कोटी के लोग क्या संभालेंगे अपने आप। अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं, संभाल रहे हैं कि सब ठीक है ठीक है ठीक, क्या हम जानते हैं अंदर से क्या है। विषयों से आकर्षित हो मैं भोगों को अपनाता हूं, जन्म मरण के बंधन में आकर के पछताता हूं। जन्म मरण के बंधन चालू हो गया मेरा, इसमें आता हूं फिर चला जाता हूं, आता हूं चला जाता हूं, घूम रहा हूं आचल। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। देखो एक सृष्टि की आयु होती है 4,32,00,000,000 वर्ष। वर्तमान की सृष्टि की आयु कितनी है? 1,96,08,53,120। इतने वर्ष हो गए वर्तमान की सृष्टि को, आधे से कुछ कम, अभी आधे से ज्यादा बाकी है। और इतना ही प्रलय की आयु होती है, ये 6,000 बार सृष्टि उत्पन्न प्रलय हो जाए इतना होता है मोक्ष का काल। 31,10,40,00,000,000 वर्ष इतना मुक्ति का काल होता है। उसे लौट करके जब आता है मनुष्य शरीर से, जीवात्मा मोक्ष में जाता है मनुष्य शरीर से वापिस आता है, मुक्ति से लौट करके जब आता है तो मानव तन में ही आता है। उसके बाद में अगर भोगों में फंस जाता तो चक्कर चालू हो जाता है, और भोगों में नहीं फंसता है तो फिर अपनी मोक्ष कर लेता है। पता नहीं हम कितनी बार मुक्ति प्राप्त हो, कितनी बार बंधन में आ गए, अनादिकाल का चक्र ये तो हमारा। गंभीर होकर के चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, सबसे बड़ी भूल हमारी ये होती है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा साधन है, हम आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, हम शुद्ध चेतन जीवात्मा है। ये तो साधन है हमारे पास कर्म के लिए, इनका उपयोग करना सीख जाए हम तो बंधन में कभी नहीं आएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रसंग आता है, लक्ष्मण ने पूछा राम से कि भाई ये बताओ कौन वह व्यक्ति कंचन और कामनी को देखकर जिसका मन चलायमान नहीं होता। कंचन कहते हैं सोने को, कामनी कहते हैं सुंदर स्त्री को। भगवान राम कहते हैं जिसकी माँ पतिव्रता होती है और पिता धर्मात्मा सदाचारी होता है वह बेटा कभी कंचन कामनी को देखकर चलायमान नहीं होता। कितनी ऊंची बात कही है, कभी ठोकर लग सकती है व्यक्ति को, सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, वो संभाल लेता हम लोगों को। एक व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा फल देता है, मैंने कहा हाँ। कर्म का फल भोगना पड़ता है, मैंने कहा बिल्कुल भोगना पड़ता है। अच्छा अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो, मैं चोरी नहीं करूं तो, मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूं तो, मैं किसी को सताऊं नहीं तो, बताओ मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। ठीक तो पूछा उसने, भाई कर्म का ही तो फल देता है ना परमात्मा। तो मैंने कहा भाई साहब ये बताओ आज आपके मन के अंदर जो भावना कल भी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? उत्तर आप भी सुन लो, कभी इसी चर्चा है तो बोलना आप। प्रश्न करने वाला कहता है कि मैं जब कोई गलत काम करूंगा ही नहीं तो बंधन किस बात का फिर? उत्तर है जन्म जन्मांतरों के संचय संस्कार है। तुम आज अपने आप को दूध का धोया मानते हो, कल तक भी तुम दूध के धोए रहो, इस बात की क्या गारंटी? कौन बचाएगा तुम्हें? कभी ठोकर लग सकती है। ये संस्कार कब जाग जाते हैं कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कह सकता। इसलिए परमात्मा के साथ जुड़े रहो। बच्चा मां के साथ रहता है, मां ने हाथ पकड़ रखा है, बच्चा निश्चिंत गिरेगा नहीं, लड़खड़ाएगा। आपने देखा हो कभी बच्चा लड़खड़ा जाता है, गिरता नहीं, क्योंकि माँ ने हाथ पकड़ रखा है। अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो, अब गिरोगे नहीं कभी भी। कभी भी ठोकर लग सकती है हमारे जीवन के अंदर। अपने स्वरूप को समझो, मैं कौन हूं? कर्म की कड़ी के साथ बंधा में जग में चक्कर खाता हूं, कर्म कड़ी के साथ बंधा में जग में चक्कर खाता हूं। सुनिए यह मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं, मेरा अस्तित्व क्या है ये बता रहा हूं। आपको समझ में आया ये बात जो बता रहा हूं मैं? जीवात्मा का स्वरूप क्या ये बताया मैंने आप लोगों को? आया समझ में? बता दिया मैं कौन हूं, याद सुबह और शाम करो, बोलना मत। बता दिया ये याद
सुबह और शाम करो, निज कर्तव्य निभा यश पाओ, जग में अपना नाम करो। बैठ बैठ कर थके हुए हो, अब थोड़ा आराम करो, समय न व्यर्थ गवाओ, जाओ घर अपना अपना काम करो। क्यों बेकार समय खराब करे हो, बता तो दिया आपको, क्या बताएं बाकी क्या रह गया है। अब इसके लिए आपको आधा दिन खराब करने की जरूरत क्या है, इसके लिए पूरा दिन बिगाड़ने की जरूरत क्या है, बता तो दिया आपको, ये आत्मा होता है बात, मैं कौन बता तो दिया। दुरुपयोग काल का करने से कमलेश बचाता हूं, सुने ये मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व बताता हूं, बता दिया मैंने अपना अस्तित्व, अति संक्षेप बता दिया। इसको भीमपलाश राग में गाया जा सकता है ये भजन जो मैंने बनाया है। चिंतन बहुत बड़ी चीज होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद चिंतन करो, सार निकले उसका फिर चिंतन करो, चिंतन का फिर चिंतन करो, तो सत्य सामने आ जाएगा। जीवन को सार्थक समुन्नत बनाने के लिए अति आवश्यक है अध्यात्म का मार्ग। संसार का मार्ग तो हमने देख लिया, इंद्रियों के भोग भोग करके देख लिया हमने सब, हमको पता लग गया इन इंद्रियों के क्या क्या भोग हैं, खा करके देख लिया, आंख से देख लिया, कान से सुन के देख लिया, त्वचा से स्पर्श करके देख लिया, नाक से गंध लेकर के देख लिया, सारा देख लिया, किंतु अपने स्वरूप को नहीं जाना हमने, अपना स्वरूप क्या है। जब तक हम कांच में अपने मुंह देखने के अभ्यासी बने रहेंगे, मेरी बात समझने का प्रयास करना, कांच मुंह देखना बुरा नहीं, किंतु मेरी भावना समझो आप, ये फेस जो है यही मैं हूं, जब तक ये देखना करें तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, जन्म बेकार जाएगा हमारा। मैं कौन हूं अंदर उतरो आप, मैं कौन हूं अपने अंदर उतरो आप, अंदर आप कौन है आपको पता लगेगा, ये तो बाहर सब सारा का सारा। अच्छा कांच में बताओ क्या दिखता है, बाहर दिखता है अंदर दिखता है, कांच में बाहर दिखता है, कांच में अंदर तो दिखता नहीं है। तो एक अंदर का दर्पण होता है, उसमें देखो अपने आप को, आपको पता लग जाएगा आप कौन है। तो फिर सुन लो, मैं शुद्ध चित्त शुद्ध बुद्ध निर्विकारी हूं, शाश्वत हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं लंबा छोटा नहीं हूं, मैं बालक वृद्ध नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हूं, ये सब शरीर के धर्म है सारे, इसमें आने के बाद मेरे नाम पड़ जाते हैं सारे के सारे, वास्तव तो मैं शुद्ध स्वरूप निराकार जीवात्मा हूं। आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया जीव का स्वरूप क्या होता है, तो एक एक विषय पर बताता चला रहा हूं। ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं, सन्यासी किसे कहते हैं, वानप्रस्थी गृहस्थी और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, एक एक करके समझाता चला रहा हूं। आज मैंने परमात्मा किसे कहते बता दिया मैंने आपको, आज मैंने बताया जीवात्मा किसे कहते हैं ये बताया, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो सुना उसको चंद्रमला, औरों को बताना, अपने स्वरूप को जानो, यदि अपने को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सब को जान लिया हमने, अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, कोई मतलब नहीं निकला। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज बिरजानंद कुटिया के सामने जब लाके आवाज देते हैं, कुंदा खटखटाती, और बिरजानंद कहता तुम कौन हो, तो दयानंद कहता यही जानने आया हूं मैं कौन हूं, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं। दरवाजा खुल गया उस समय, वो दरवाजा सत्य का खुल गया था, अगर वो दरवाजा नहीं खुलता आज हम ठोकरें खाते। समझो कि मैं कौन हूं, अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करो। उम्मीद है सुनिए प्रवचन पर आप चिंतन करेंगे। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्कार।